हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एमसीक्यू ड्राफ्ट किए हैं। ऐसे ही एमसीक्यू अगर एग्जाम में आते हैं तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि एग्जाम में आपको सोचना पड़े, बस आपका जल्दी जल्दी पेन चलता रहे, आपके सारे एमसीक्यू निकलते रहे। इसीलिए हम पहले ही उन एमसीक्यू को लेकर आए हैं कि एग्जाम में अगर ऐसे एमसीक्यू आ गए तो आप जल्दी से उनको सॉल्व कर सके। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अच्छे एमसीक्यू है। आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है क्योंकि एंड में बहुत जबरदस्त एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। आपको बीच में इस वीडियो को ड्रॉप नहीं करना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, दैट इज भारत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000। हमने इनवाइट किया है एप्लीकेशन कितने के लिए गाइस? 30,000 के लिए, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। एप्लीकेशन का पैसा आ गया है। Which of the following alternative can be followed? देखिए, यहाँ पर हमारे पास application आई है 40,000 के लिए, हमने देने हैं maximum कितने? 30,000। वो कह रहा है following alternative can be followed, कौन-कौन से follow कर सकते हैं? Refund the excess applications, हम 10,000 जो excess आई है उसको वापिस कर सकते हैं, बिल्कुल, that can be possible। इसके बाद make pro rata allotment to all the applicant, मतलब 40 वालों को 30 हमने दे दिए, सभी को हमने कुछ ना कुछ शेयर दे दिए, 40 वालों को हमने 30 के 30 दे दिए एंड रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और मान लीजिए एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है और वो अलॉटमेंट पर पूरी यूज नहीं हो पाई, कुछ पैसा बच गया, तो हम वापस कर देंगे। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट टू अलॉट एनी शेयर टू सम एप्लीकेंट, ये कह रहे हैं कुछ को हम अलॉट ना करें, बिल्कुल ठीक, ऐसा कर सकते हैं। फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट, कुछ को हम कुछ शेयर होल्डर्स को हम पूरे के पूरे दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट टू अदर एप्लीकेंट, ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मेक प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट, हमने प्रो राटा कर दिया, मतलब 40 वालों को हमने 30 दे दिए। एंड एडजस्ट द एक्सेस मनी रिसीव टुवर्ड्स कॉल्स मनी, हम उसको आगे कॉल्स में यूज कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो यहां पर चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव कैन बी फॉलोड, तो चारों फॉलो किए जा सकते हैं, ओनली वन, बोथ वन एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अबव, तो इसका मतलब ऑप्शन इज योर सी, ओनली थर्ड, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद आगे देखिए, एएक्सएन लिमिटेड फॉरफिट किया उसने 50 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखिए 50 शेयर है, 100 का एक, ठीक है गाइस। इशूड एट 10% प्रीमियम ऑन व्हिच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर वर नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ? अलॉटमेंट पर ₹30 है, ₹10 प्रीमियम, तो ओरिजिनल हो गया 20, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर, 30 पर शेयर फर्स्ट कॉल, ये ओरिजिनल ही है, ना तो ये आया ना ये आया। एंड 20 पर शेयर वर नॉट येट कॉल्ड, अभी तक ₹20 तो हमने मंगवाए ही नहीं है। तो देखो ओरिजिनल कितना हुआ? 20 और 30, 50, 50 और 20, 70, तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर कितना मंगवाया गया होगा? 30, ऑलराइट गाइस, ये एप्लीकेशन का है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया? 20 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड 80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर, हमने 80 वाले 70 में रीइश्यू कर दिए, क्योंकि 20 तो अभी मंगवाया ही नहीं गया, तो हम यही मान रहे हैं कि जो हमने रीइश्यू किया उनसे भी 20 हम बाद में मंगवाएंगे, मतलब 80 वाला 70 में रीइश्यू कर दिया। 80 वाला अगर 70 में किया तो ₹10 का हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हम किसमें से दे सकते हैं? आपको पता है किसमें से? शेयर फॉर फ्यूचर में से, ठीक है। इसके बाद ऑन रीइशू, रीइशू के समय, बहुत ध्यान से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन रीइशू द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी, रीइशू के समय जब आप शेयर रीइशू कर रहे हैं तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, आपको पता है जब रीइशू करते हैं तो फॉरफिटेड, अगर डिस्काउंट देते हैं तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कितने से डेबिट होगा? ऑन रीइशू द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 500, क्रेडिटेड विद 400, डेबिटेड विद 200 एंड क्रेडिटेड विद 500। तो सबसे पहली चीज देखिए, आपने डिस्काउंट कितने का दिया? ₹10 का डिस्काउंट दिया, कितने शेयर पर? 20, 20 गुना 10, कितने का डिस्काउंट दिया? 200,
तो यहां से बिल्कुल क्लियर आंसर आ रहा है कि शेयर फॉरफीचर को आप डेबिट करोगे कितने से, 200 से। तो सी में यही आ रहा था, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, स्वाति सुरभि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है गाइस, दे एडमिट सांची इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ सांची। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, गुडविल कैसे वैल्यू की गई, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। वर्ड यूज हुआ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 20,000, जो हम कमा रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट है, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 12,000, जो सभी कमा रहे हैं वो कितना है 12,000। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, जो हम दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, दैट इज 8,000। ठीक है गाइस, ये हमारा 8,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। इसके बाद इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल आ जाएगी कितनी, उसने कितना बोला था 4 ईयर परचेस, 4 × 8,000, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 32,000। ये फर्म की क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है गाइस, नॉर्मल इसके बाद फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंट्री विल बी। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। अब यहां पर ना एक बात समझिए, ये नहीं बोला गया कि सांची अपने गुडविल का पैसा कैश में ला रही है। तब जब ये बात नहीं बोली जाती है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्या करते हैं, सांची का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। वेरी नाइस। तो देखिए वो कितने के लिए आ रही है, वो आ रही है कितने के लिए, देखिए मैं यहां पर नीचे करता हूं, 32,000 × 1/4 कितने के लिए, 8,000। तो उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा पहली बात कितने से, 8,000। अब किसको दिया जाएगा, जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। अब कुछ नहीं बोला गया तो आपको पता होना चाहिए जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी 5:3। तो किसमें, स्वाति और सुरभि की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा 5:3, 8,000 को, तो 5,000 और 3,000। तो एंट्री वुड बी क्या हो जाएगी, सांचीज करंट अकाउंट डेबिट 8,000, चेक करो, और 2 में स्वातिस कैपिटल 5,000, 2 सुरभिस कैपिटल, ये तो नहीं होगा। अगला देखिए, सांचीस करंट अकाउंट डेबिट 8,000, 2 स्वातिस कैपिटल यस 5,000, ये वाली। तो बी इज योर आंसर। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा है ये, देव अ पार्टनर विड्रू 6,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगनिंग में वो 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 वो क्या कर रहा है, विड्रो, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज कैलकुलेटेड एज 1500। देखो पहले तो हम क्या करते थे, आपने बुक्स में भी देखा है, आपने यूजली क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है जो आपने ड्रॉइंग के ऊपर चार्ज किया है। तो आप कैसे निकालते हो, आप क्या क्या फॉर्मूला आप यूज करते हो, देखिए आप करते हो, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हो 1500, ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, सॉरी, तो आपने 6000 हर क्वार्टर की बिगनिंग में किया। आप याद करो, आप उसको क्या करते हो, 24000, चार बार किया तो 24000 लिखते हो, बिल्कुल। और आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट, तो एक्स मान लिया, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो उसके इसमें क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितने बचे हैं, 12, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितने बचेंगे, 3, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7.5। तो यहां पर आ जाएगा 7.5/12, ठीक है, तो यहां पर एक जीरो और हो जाएगी, तो देखो 12,000, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 150x, तो x की वैल्यू ये डिवाइड हो जाएगा, दैट वुड बी 10, तो ये हमारा 10% आ जाएगा, चेक कीजिए दिया है, यस, सी इज योर आंसर। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद अब आपको बताना है गाइस, सभी मेरे साथ साथ करवाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अर्जुन ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज 6,000, इंटरेस्ट दिया हुआ है अर्जुन की ड्रॉइंग के ऊपर, ही विड्रू फिक्स अमाउंट इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक फिक्स अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, ये नहीं बोला बिगनिंग में, एंड में, मिड में, ठीक है, तो आप क्या मानते हो, अगर कुछ नहीं बोला गया तो मिड में मानते हो, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज किया गया वो कितना किया गया, 10% पर एनम, हिज क्वार्टरली ड्रॉइंग। अब मैं आपको कह रहा, मैंने क्या कहा, आप करवाओगे और देखना आप गलती करोगे, गलती नहीं करनी है, आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलती करोगे, चेक कीजिए कैसे, चलो मेरे साथ साथ करवाइए। तो यहां पर उसने क्या किया है, उसको उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो लिया गया वो 6,000, ठीक है, हमें निकालना है हिज क्वार्टरली ड्रॉइंग इज, तो हमने इसको एक्स मान लिया,
ठीक है, एक्स इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 10%, 10/100 इंटू में कुछ नहीं बोला जाता तो मिड मानते हैं, तो उसके लिए 6 लेते हैं, 6/12, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू 20 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 1,20,000 वुड बी योर आंसर। नहीं गाइस, ये आंसर नहीं है। यहां पर सभी बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं भैया ये तो 120 आ गया, 120 तो ऑप्शन में ही नहीं है, और कहते हैं फिर तो हमने यहीं पर अटके रहते हैं। अटकना नहीं है गाइस, ये 120 जो है यहां पर जो अमाउंट लिखते हैं वो हम पूरे साल का लिखते हैं, उसने हमसे मांगा है क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 120/4 ये यूजली बच्चे नहीं करते हैं, तो 30,000, तो यहां पर सी इज योर आंसर। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, ये भी आपको करवाना है, बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा एमसीक्यू है। देखिए ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है डिसॉल्व हो रही है, मशीनरी ऑफ ₹1,00,000 वाज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हमने मशीनरी को क्या कर दिया, रियलाइजेशन की डेबिट में डाल दिया, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है ऑफ ₹20,000 वाज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट में डाल देते हैं। आउट ऑफ द टोटल मशीनरी 70% ऑफ द मशीन वाज टेकन बाय राहुल अ पार्टनर at 80% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट कितनी है गाइस, 1,00,000, ठीक है। तो 1,00,000 का वो कौन लेकर जा रहा है, राहुल, ठीक है। अभी आगे पढ़ लेते हैं और क्या, एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। यहां आ गई बुक वैल्यू, यहां पर कॉस्ट है, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू द रियलाइजेशन ऑफ मशीनरी, हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। हम ऑलरेडी मशीन और प्रोविजन तो डाल चुके हैं, उसकी नहीं करनी है, केवल जो एसेट आप बेच रहे हो, या तो पार्टनर लेकर जा रहा है, या हम किस पे बेच रहे हैं, कैश या बैंक के थ्रू बेच रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले कौन लेकर गया, पार्टनर। देखो कॉस्ट है उसकी 1,00,000, देखो 1,00,000 का 70% लेकर जा रहा है, कितना हो गया 70,000, और वो कितने पर लेकर जा रहा है, एट 80%, क्योंकि उसने कॉस्ट बोला है, कॉस्ट है 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 का 70% 70,000, और वो उसको 80% पर लेकर जा रहा है, तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 56,000। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, पार्टनर लेकर जा रहा है तो राहुल की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 56,000 से। देखो राहुल की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 56,000 से, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बाकी जो मशीनरी है बाकी कितनी बची, 30%, उसको हमने 90% ऑफ द बुक वैल्यू बेच दिया। बुक वैल्यू वर्ड यूज हुआ, बुक वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 माइनस 20,000, कितना आ गया, 80,000। 80,000 का कितने परसेंट, 30%, रिमेनिंग 30% है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 24,000, क्योंकि 30% बचा। और उसके बाद उसका कितना लेकर जा रहे हैं, 90%, 90/100, ठीक है। वो हमने बेची है, ये 0010 ये आ जाएगा 9×36,621, 21,600 की हमने कैश में सेल किया। तो एंट्री वुड बी, पार्टनर जो लेकर गया है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, 56,000। उसके बाद नेक्स्ट कौन, हमने कैश में बेची है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 21,600। अब मशीन नहीं है, टू में रियलाइजेशन, दैट वुड बी जो भी अमाउंट आएगा ऐड करके, ये क्या है, राहुल है, राहुल, चेक करो यहां पर, राहुल्स कैपिटल 56,000 से 56, देखिए बी में बैंक ये नहीं है, बैंक होगा 21,600, ये देखिए यहां हो रहा है, राहुल्स कैपिटल, बैंक कैपिटल डेबिट हो गया राहुल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो दैट वुड बी सी इज योर आंसर, बी नहीं है गाइस, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा एमसीक्यू था, करंट लाइबिलिटी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज दैट लाइबिलिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, बिल्कुल सही, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बैलेंस शीट, बिल्कुल सही, हेल्ड प्राइमरली फॉर द ट्रेड purpose of being traded, ये तो सारी सी है, all of the above, तो answer would be F, तो F would be your answer, ठीक है guys। इसके बाद next देखिए, match entries in group 1 with entries in group 2, select the correct answer using the code given below the list। सबसे पहला, interest accrued on investment, तो ये आपकी क्या होती है, interest accrued on investment, कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं है, तो इसे हम, क्योंकि जल्दी मिलेगा, करंट एसेट में अदर करंट एसेट में दिखाया जाता है,
करंट लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट इन्वेंट्री, करंट एसेट अदर करंट एसेट में, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता है ये करंट लाइबिलिटी होती है, तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पहला हुआ डी, फिर हुआ ए, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपको पता है इंटेंजिबल एसेट होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट बी, तो डी ए बी सी सी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास क्या है आगे, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ स्टार लिमिटेड इज 5,20,000, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 80,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 80, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 3/4 ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, तो आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। क्रेडिट रिवेन्यू आपको दिया हुआ है 5,20,000, ठीक है गाइस, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्लोजिंग तो दिया हुआ है, ओपनिंग निकालना पड़ेगा, ओपनिंग है 3/4 ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो क्लोजिंग है हमारे 80 का 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 60,000 आ गया गाइस, तो 60 + 80 = 140 डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालना, तो ये आ जाएगा 70,000, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7/4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चलिए। लीव कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज, और इसको हम कहां दिखाते हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। तो आपको याद होगा हम इसको एडबैक नहीं करते हैं, हम इसको कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता है सबसे पहला आता है एक्सपेंस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ये चारों आइटम जो होती है ये ऑपरेटिंग है, तो इनको एडबैक नहीं किया जाता, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह इन सबको एडबैक, तो इसको हम एडबैक करते ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं इसको, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये भी नहीं है, एंड ऑर्डिनरी एक्टिविटी एडजस्टमेंट विल नॉट बी मेड, दैट वुड बी योर आंसर, क्योंकि हम इसकी एडजस्टमेंट करते नहीं है, हम इसको एडबैक करते नहीं है, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इससे कैश फ्लो होता है, ठीक है। इसके बाद बायबैक ऑफ ओन शेयर, यस गाइस ये बताया मैंने, बायबैक ऑफ ओन शेयर ये क्या होता है गाइस, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली होती नहीं है, इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और गाइस ओन शेयर मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं गाइस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज आउटफ्लो, बिल्कुल सही, इट विल नॉट बी शोन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर फाइनेंसिंग, नहीं गाइस, तो सी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ मशीनरी, कि कितना इनफ्लो हुआ है, देखो वर्ड क्या यूज हुआ, कैलकुलेट इनफ्लो ऑफ कैश, केवल आपको इनफ्लो बताना है बाय सेल ऑफ मशीनरी की कितना इनफ्लो हुआ है, तो ये बात, ये गलती नहीं करनी है कभी जल्दी जल्दी में कुछ और कराओ, तो देखिए आपको मशीनरी दी हुई है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 2,00,000, मशीनरी परचेज की गई है 1,50,000, पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60, और आपको आंसर निकालना है, देखो मैं यहाँ अकाउंट बना लेता हूँ, इजी हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है 15,00,000, ठीक है, ये आ गया 15,00,000, क्लोजिंग बैलेंस है 10,00,000, ठीक है गाइस। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज 2,00,000, क्योंकि एसेट जो है वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर दिखाई जा रही है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, मशीनरी परचेज की है 1,50,000, यहां आता है 2,00,000, ठीक है। उसके बाद मशीनरी आपने किस पर बेची है, प्रॉफिट पर 60,000, ठीक है, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा जो आपने सेल किया है बाय बैंक, यही आपको कैलकुलेट करना है, देखो टोटल करेंगे इसका 15 और 16 17,17,10,000, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 12,00,000, तो 5,10,000 आपने क्या किया है, मशीनरी को 5,10,000 में बेचा है, और उसने बोला है कैलकुलेट द इनफ्लो ऑफ कैश By sale of machinery, that is 5,10,000 is your answer. I hope ये सारे के सारे MCQ
आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बहुत अच्छे एमसीक्यू थे। अगर आपको गाइस एमसीक्यू अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल और क्लासमेट को इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।